है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज देखिए घर से आ गया हूँ, निकल के मोटो व्लॉगिंग को गया, ओला व्लॉगिंग करने। घर से ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है मैंने, ये देखिए। और अभी हम खड़े हैं किंग्स पे। 16 किलोमीटर चलाई है और मैंने, ये आपको दिख रहा होगा शायद, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी। 106 किलोमीटर गाड़ी चली, 106 किलोमीटर चलेगी और मैंने चलाई है अभी 16 किलोमीटर। और टोटल जो किलोमीटर है वो देखिए 1334 किलोमीटर हम चला चुके हैं इसको। क्या क्या प्रोज एंड कौन से इस वाली वीडियो में सब बताने वाला हूँ। नज़ारा बहुत शानदार है हैंगिंग ब्रिज का, देख लो यार। 65 में चल रही है, 69, 70 स्पीड तो इतनी तेज पकड़ती है ना, बस उसको पूछो मत आप। पिकअप बहुत शानदार है इसका। और मैं आज जा रहा हूँ हैंगिंग ब्रिज की तरफ, जो कि काफ़ी दूर है मेरे घर से। देखते हैं इसकी रेंज भी टेस्ट हो जाएगी। आई होप आपको कैमरे में अच्छा दिख रहा होगा और साफ आवाज आ रही होगी, तो बाद में ही पता लगेगा। भाई एक बात तो है यार, ओला स्कूटर कैसा भी हो लेकिन इसको लोग मतलब मुड़ के देखते हैं। और मैंने न्यू मिंट कलर लिया है तो फिर वो तो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये कलर लेने के कुछ नुकसान भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक नॉर्मल कॉमन नुकसान तो यही है कि स्क्रैच बहुत जल्दी हो जाते हैं सारे कलर के, जैसे कि हम वाइट कलर लेते हैं या फिर कोई और लेते हैं तो उसमें इतना दिखता नहीं है। चलाने में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, मज़ा आता है चलाने में। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 124 किलोमीटर शो कर रहा है अभी। देखते हैं वहाँ तक जाएंगे तब तक कितना ख़त्म हो जाएगी इसकी रेंज। जब मैं इसको लेके आया हूँ अभी तब इसकी बैटरी लगभग 94% थी। मेरे घर से हैंगिंग ब्रिज लगभग 18 से 20 किलोमीटर है, तो हम इसकी रेंज भी टेस्ट कर लेंगे आज कि कितनी रेंज दे रही है हमें। मुझे लगा था इसका सस्पेंशन इतना जो है कंफर्टेबल नहीं होगा पीछे वाला, क्योंकि वो भी मोनोशॉक ही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हम 3 जने बैठ के इस पर जा चुके हैं राइड पे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लगता नहीं है कि मतलब बड़े गड्ढे में से भी निकल जाती है और ज़्यादा मतलब झटका नहीं आता, अच्छा है सस्पेंशन। नॉर्मल मोड में देखो यार, इसकी ये नॉर्मल मोड की टॉप स्पीड है 81 किलोमीटर, काफ़ी अच्छी है यार नॉर्मल में 80 किलोमीटर। स्पीड देखिए कितनी चल रही है, इतना अच्छा रोड होगा उतनी अच्छी स्पीड चलेगी आपकी। ये एक और टेस्ट हो गया इसका, नॉर्मल मोड में 80 किलोमीटर चलती है, स्पोर्ट्स पे चलती होगी शायद 95, और हाइपर पे तो आपको बताइए 116-117 किलोमीटर चल जाती है, लेकिन हाइपर की इतनी ज़रूरत सिटी में पड़ती नहीं है, नॉर्मल मोड से आपका काम हो जाता है पूरा। देखिए चंबल गार्डन आ गया, मैंने अभी तक ये स्कूटी नॉर्मल मोड पे ही टेस्ट की है, नॉर्मल और इको पे, मैंने अभी तक इसका स्पोर्ट मोड भी नहीं चलाया। मेरा भाई जो है बड़ा, उसने हाइपर मोड पे भी चलाया हुआ है, क्योंकि वो इसे हाईवे पर लेके गया था। मुझे सेफ नहीं लगता यार हाइपर मोड चलाना। जगह जगह ब्रेकर आने लगता है। 10 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ मैं अभी तक, ये देखते हैं यहाँ पे शो रहा हो, कैमरे में शायद ही दिख रहा हो आपको। ओला इलेक्ट्रिक की सीट की फिटिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है बैठने के बाद पता लगता है। हालांकि सीट थोड़ी छोटी है, दो ही लोगों के लिए है, वैसे बाइक पर ट्रिपलिंग करनी भी नहीं है, ये इलीगल है, बट फिर भी ये देखिए 110 किलोमीटर शो कर रहा है यहाँ पे। और मैं हमारे घर से जब निकला था
और था इसमें 128 किलोमीटर और हम ओनली चले हैं अभी 13 किलोमीटर, तो देखिए रेंज कितनी ड्रॉप हो गई है, कितना ज़्यादा खराब होता है यहाँ तो, ज़्यादा ही बड़े गड़े गड्ढे हैं और स्कूटी के वैसे ही छोटे टायर होते हैं तो गड्ढों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। गड्ढों के लिए तो बुलेट सही है, बुलेट के बड़े टायर होते हैं ना इसकी। अब तो आने वाले हैं हम हाईवे पे, ये देखिए हाईवे पे एंट्री, गेट है 500 मीटर आगे और उसके 500 मीटर आगे है हमारा हिंदू गेट, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हैं। इसकी स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यार, 80 किलोमीटर का स्प्लेंडर वगैरह चलाते हैं तो जैसे वाइब्रेशन की होने लग जाती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल बड़े आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर। भाई क्या स्टेबिलिटी आ रही है इसमें, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े आ रहे हैं चलाने में। देखो 255 किलोमीटर है, देखिए यहाँ से चित्तौड़गढ़ 149 यहाँ पर रुक लिया जाए तो भाई अब ये रेंज शो कर रही है 106 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर चले हैं, जब मैं घर से चला रहा लगभग 129 किलोमीटर की रेंज शो हो रही थी, तो देख लो आपके हिसाब से थोड़ी कम हो जाती है इसमें रेंज। इसी तरह से ये लगभग लगभग चल जाती है 100 से 110 किलोमीटर नॉर्मल मोड पे, और अभी नॉर्मल मोड पे 106 किलोमीटर शो कर रही है। आज का देखिए जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पार्क मोड पर लगा देते हैं, ये देखिए आज का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 17 किलोमीटर, एवरेज स्पीड रही है 43 किलोमीटर पर आवर, टॉप स्पीड रही है 80 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, सेफ में है अभी। और मैं ये आपको बता देता हूँ हमने अभी तक, यार ये हिल रहा है ब्रिज पूरा, अबाउट सेक्शन में जाएंगे। 1334 किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक हम इस स्कूटर को, ये 16 तारीख को डिलीवर हुआ था, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो देखा हो तो। थोड़ी धूप तेज लग रही है। सबसे पहली बात, देती कितना है, मतलब इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज आप सबको पता है S1 Pro की 170 किलोमीटर क्लेम करते हैं इको मोड पे, लेकिन इको मोड पे हमको ओनली, क्योंकि हम 1300 किलोमीटर चला चुके हैं, ओनली 110 किलोमीटर तक चलती है, और नॉर्मल मोड पे 90 से 95 किलोमीटर तक चल जाती है। इससे ज़्यादा ये सिटी राइड में और सिंगल बंदे के साथ इससे ज़्यादा ये रेंज देती नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी हमारे घर से आया हूँ, 14-16 किलोमीटर राइड की है मैंने, और जब मैं घर से चला था तब 128 किलोमीटर शो हो रही थी रेंज, और अभी 109 से थोड़ी कम है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 106 किलोमीटर शो हो रही है। तो इसकी रेंज जो है घटती रहती है, वो उस पर आप डिपेंड करता है, आप कितना थ्रोटल यूज दबा रहे हो और कितना ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो इसकी। और चलते हैं, इसका स्पोर्ट मोड भी बहुत ज़्यादा तेज है यार, हाइपर पे तो फिर क्या ही चलाना, नॉर्मल में मुझे सफिशियंट लगता है, स्पोर्ट मोड की कोई जरूरत ही नहीं। ये देखिए गाइस 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँ मैं, 66% बैटरी अभी बची हुई है, और मैंने अभी नॉर्मल स्पोर्ट मोड इन दोनों मोड्स पर इसको ट्राई किया था, और 79 किलोमीटर अभी ये शो कर रही है, और मेरा घर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो ये थी इसकी रेंज, देख लीजिए आप, मैं 128 किलोमीटर पर लाया था जब ये नॉर्मल मोड पर, लेकिन बीच में हाई वो जो स्पोर्ट मोड है उस पर भी चलाई, इसलिए शायद थोड़ी कम हो गई है, 79 किलोमीटर और चलेगी। तो इसमें जो रेंज शो करती है कि 135 किलोमीटर इसका जो है इसको ये नॉर्मल मोड पे चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, ये नॉर्मल मोड पर ओनली 100 किलोमीटर या फिर 95 किलोमीटर ही चलती है, जो कि हमको अभी इसमें देख भी सकते हैं। तो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बस ये लाइक का वीडियो,
इफ यू लाइक प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी प्रकार के नए और एक्साइटिंग वीडियोज में।